हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CBSE क्लास 10th रिजल्ट 2021 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि NDTV का है, ब्लॉग पोस्ट पे है। तो आप सॉरी NDTV का जो वेबसाइट है उस पे है, तो आप जा कर के एक बार वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन पढ़ करके बता दे रहा हूँ, CBSE क्लास 10th 2020 CBSE रिजल्ट अब जुलाई में जारी होने की उम्मीद है, जानिए डिटेल्स। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको हर चीज़ लाइन बाय लाइन क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। CBSE क्लास 10th रिजल्ट 2021 केंद्रीय मासिक की रद्द की गई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम घोषणा जुलाई में कर सकती है, यानी कि मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं कि CBSE जो अपनी रिजल्ट है वो जुलाई में रिलीज कर दे। अब क्या है न्यूज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रद्द की गई कक्षा 10th की बोर्ड परीक्षाओं को परिणाम की घोषणा जुलाई में कर सकती है। CBSE ने पहले ही कहा था कि स्कूल दोबारा 11 जून तक छात्रों को अब अंक सबमिट किए जाएंगे और परिणाम जून के तीसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि जो आपका CBSE क्लास 10 का रिजल्ट 15 से 17 या कि खूब से खूब 20 तक जा सकता है, उसके दरमियान में आपका रिजल्ट क्लास 10 का निकल जाएगा। अब आगे में इन्होंने बताया है कि COVID-19 महामारी के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन और शिक्षा और कर्मचारी की सुरक्षा अनुश्चित करने के लिए CBSE छात्रों को अंक सबमिट करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि CBSE जो है उसने मतलब दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हमारे पास अभी टीचर्स की कमी है और जो मार्क्स वगैरह अपलोड करते हैं अकाउंटेंट्स उन लोगों को कमी है, वो लोग जितने भी हैं सारे मतलब कोविड ड्यूटी कर रहे हैं और जो कुछ बचे हैं वो लोग कोविड मतलब संक्रमण हैं। ओके, तो CBSE ने कक्षा 10वीं बोर्ड की अंकों की सबमिट करने की कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा, CBSE शिक्षक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पर मतलब उन्होंने कहा है कि CBSE जो है शिक्षक और की सुरक्षा और स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। महामारी की स्थिति, राज्यों में लॉकडाउन और संबोधित स्कूलों में शिक्षकों के अन्य स्टाफ समुदाय, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह हैं वो कोविड ड्यूटी में हैं और बहुत सारे को मतलब कोविड संक्रमण है। तो आगे कहा गया कि छात्रों को अंक 30 जून तक बोर्ड में जमा करने होंगे, बाकी गतिविधियों के लिए रिजल्ट कमेटी CBSE द्वारा बताई गई योजनाओं के आधार पर शेड्यूल बना सकती है, यानी कि आपका रिजल्ट अगर जून तक आपका जो रिजल्ट अंक है वो स्कूल सारे मतलब बोर्ड में भेज देंगे और उसके बाद जो है आपका जून के जून जनवरी और फिर आप यहाँ पे देखिए जून तक आपका सबमिट हो जाएगा और फिर जुलाई 15 से 17 तक आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ओके, तो ये आप न्यूज को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, NDTV इंडिया का है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।